अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो गए। किसने बताया आपको? नहीं पढ़ा था। अरे ये क्या है? तितली है। तितली है मैं। और ये चिड़िया। चिड़िया कैसे कलर की है फिर? ये बहुत कलर है मैम, ब्राउन भी है, भूरा भी है, लाल भी है। तो ये कौन है? ये भैया बाबू। और ये पतंग। और ये पतंग के साथ क्या है? चरखी है। कैसा दिख रहा है ये पिक्चर तुम्हें? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। अब मैं आपके लिए आपके पाठ की एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? जिसका नाम क्या है? मन करता है। क्या मन करता है? सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर। मन करता है चंदा बनकर। Yeah.
आईटी वाला हूँ ना मैं। पोशाक पहने हुए थे, आप भी कहीं जाते हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाते होंगे ना। तभी नसरुद्दीन ने भड़कीली
निकाल कर दोनों बंधन कर निकले। तो एक पड़ोसी के घर गए, नसरुद्दीन ने परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब, वैसे इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। अब यह सुनकर जमाल साहब को क्या हुआ, अजीब सा लगा और वो बनाने लगे, कहने लगे यह बताना जरूरी था कि नसरुद्दीन ने कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब उनसे गर्मजोशी से मिले। नसरुद्दीन ने आगे कहा, जमाल साहब ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी ही है। तो जमाल साहब फिर से नाराज हो गए और बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन, जमाल साहब मैं जमाल हूँ, ये नसरुद्दीन है और ये पड़ोसी है, सारे पड़ोसी नहीं है, एक पड़ोसी इधर है तुम्हारे। मैं तो अचकन के बारे में सोच रहा था, अचकन क्या है करके। अचकन क्या है, किराए पर किराए पर अचकन ले जाए। ये अचकन है जब मैं तो पूछ रहा था। मेरी ड्रेस अच्छी नहीं हो गई बिल्कुल। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम पहन लेना। ठीक है, ये कैसा है, सुंदर है। ठीक है, तुम्हें हाँ पहन ले। Yeah.
ज्यादा उसमें करने में बच्चे काफी उनको एंजॉय भी हो जाते हैं। अच्छा लगता है।